हाय गाइस, वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। अभी जो है वो हम जा रहे हैं, मामा की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, तो अभी हम फॉलोअप के लिए जा रहे हैं और अभी वहाँ पे पहुँच कर आपको दिखाते हैं। क्या करने आई हैं आप यहाँ? फॉलोअप के लिए आई हूँ जी गाइस, तो अब मैं आपको क्लिनिक दिखाती हूँ। ये मामा के डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ पे उससे रिलेटेड ही चीज़ें पड़ी हुई हैं और जो है वो अभी उनका वेट हो रहा है। उनकी असिस्टेंट आई थी, उन्होंने फॉलोअप वगैरह लिया है, रिपोर्ट्स वगैरह चेक की हैं, बट जो डॉक्टर है अब वो आगे देखकर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि रिपोर्ट्स ठीक हैं या कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, नहीं आई है, क्या सिस्टम है रिपोर्ट्स का। तो दुआ कीजिएगा कि जो है उनका मतलब कि मामा का जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आए। वैसे मैंने घर में देखी थी, मुझे तो ठीक ही लग रही थी, खुदा का शुक्र है। गाइस, डॉक्टर से फॉलो अप हो गया है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी हैं और कहा है कि कोई वरी करने की बात नहीं है क्योंकि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो सिर्फ एक मेडिसिन है मामा की जो रात को सोने से पहले उन्होंने खानी है, बस वो ही एक ज़्यादा की है क्योंकि उनकी वेंस में खिंचाव था। तो होप्स हो कि आगे भी जो है रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी और खुदा करे कि ऐसा ही हो, आमीन। जी गाइस, तो अब डॉक्टर के पास से हमने हो लिया है तो अब हमें भूख लग गई है, तो मामा कहती हैं कि एक पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो मैंने कहा कि चलें डोमिनोज पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। जी गाइस, तो अब हम पहुंच गए हैं और जो है वो अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर जो है वो ऑर्डर देंगे, देखते हैं कि कौन सा पिज़्ज़ा हम खाते हैं। तो अभी तो हम बैठने लगे हैं और एक क्वेश्चन भी आपसे करेंगी मामा। मामा के चेकअप के बाद और अब हम पिज़्ज़ा खाएंगे। पिज़्ज़ा खाता है तो अभी आपको दिखाते हैं, मामा अभी ऑर्डर देने गए हैं। हम इनका स्लोगन देखते हैं, इधर लिखा हुआ है। ये जो स्लोगन है, यहाँ से मैंने स्लो इसलिए किया है कि ये आप पढ़ें और आप कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या मतलब आपको लग रहा है कि होगा, क्योंकि उस वक्त तो मैंने इसको इतना नोट नहीं किया, बट जो है बाद में मैंने इसको नोट किया तो मैंने सोचा कि मैं इसको स्लो करके आप लोगों को दिखाऊं और आप लोग भी बताइएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम बैठ गए थे तो जो है वो मामा ऑर्डर देने तो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा आप बैठें, आपके पास जो है ऑर्डर टेकर आएगा तो वो आपसे ऑर्डर ले लेता है। तो अभी जो है मामा से एक्सपीरियंस पूछते हैं डॉक्टर का। कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका डॉक्टर के पास, क्या बताया डॉक्टर ने? सबका जो है वो मेरे पुराने डॉक्टर हैं, 10 साल पुराने हैं और सभी हमेशा जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो स्वेलिंग का था टेस्ट वो तो हुआ ही नहीं, कहीं उनको समझ नहीं आया या हमने नहीं करवाया। 1300 मीडियम और 1300 मीडियम मीडियम नहीं, हमें दूसरा चाहिए जो हम इधर ही खाएंगे विद मोर चीज़। ठीक है, ज़्यादा चीज़ के साथ। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ के साथ। हाँ, एक्स्ट्रा चीज़। ठीक है, तो कौन सा वाला वो एक्स्ट्रा वाला जो मैं से कहूँ आप बताओ। उसमें मैं आपको नहीं बताया था जी, 1300 में है मीडियम पिज़्ज़ा और कुछ मोर ड्रिंक्स हैं और साथ आप ड्रिंक्स क्रिकर्स या लावा केक कर सकते हैं। तो आज हम आए हैं डोमिनो पिज़्ज़ा पे, तो यहाँ पे मैंने आके देखा कि ये जगह बहुत कम है, लेकिन इसका कल ही मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि उसकी वजह क्या है कि यहाँ बैठने की जगह बहुत कम है, तो इसके पीछे वजह क्या है वो प्लीज़ जिसको भी पता वो बताए। थैंक यू। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि डोमिनो में बैठने की जगह बहुत कम है, इसका रीज़न पिज़्ज़ा हट के कंपेयर में, कंपैरिजन करें अगर पिज़्ज़ा हट के साथ, तो पिज़्ज़ा हट में बैठने की स्पेस बहुत ज़्यादा है जहाँ जहाँ भी है जिस जिस शहर में, लेकिन डोमिनो की जो है वो बहुत कम है, तो प्लीज़ रीज़न बताएं।
मुझे अभी मामा ने पूछा था तो मैंने जो है वो रीज़न बता दिया था, तो मामा कहती यही रीज़न है। तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या रीज़न है, क्या समझ आती है आपको, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। फिर जो है वो मामा आपको बताएंगी कि सही आंसर किस किस ने दिया था। हमारा ऑर्डर आ गया है और अब हम उसे ओपन करने लगे। अच्छा वो है आपके पास डिस्पोजेबल प्लेट्स की? ठीक है ठीक। ये है पिज़्ज़ा टिश्यू पेपर, ये है चिकन विंग्स, ये नॉन स्पाइसी हमने मंगवाए हैं और ये पिज़्ज़ा हमने स्पाइसी मंगवाया है। थैंक यू। कितना यम्मी लग रहा है, मामा ने तो खाना स्टार्ट ही कर दिया, बहुत भूख लग रही है। और ये हमारी कोक है पेप्सी। अब हमने पिज़्ज़ा खा लिया है, अब हम जो हैं वो घर जा रहे हैं। तो जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो भी डोमिनोज़ पिज़्ज़ा ट्राई करें, और वैसे तो बड़े सालों से है तो आप लोगों ने ट्राई किया ही होगा। तो आगे जो है वो जो क्वेश्चन मामा ने पूछा है उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और जो मैंने आपको स्लोगन दिखाया है उसका भी बताइएगा कि आपको क्या मीनिंग समझ आई। उम्मीद है गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़रूर कमेंट भी किया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, हमारी एफर्ट कैसी लगती है और हम किस तरह के व्लॉग्स और बनाएं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें ताकि जो है और लोग भी हमारे व्लॉग्स को देखें और इन्जॉय करें। थैंक यू।